मैं मूल रूप से चहनिया का रहने वाला हूँ और शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। ब्रजनंदिनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स हमारे संस्थान है जिसके तहत हम लोग कई सारे अपने शिक्षण संस्थानों का संचालन करते हैं और साथ ही छात्र राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ। पूरी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से मेरी हुई है, वहीं से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही पीएचडी मैंने अपनी की हुई है और अब आगे समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़कर, इस क्षेत्र की जनता के साथ जुड़कर राजनीति में कदम रखा हूँ कि इस क्षेत्र का कुछ विकास किया जा सके। सर, आप जैसा कि जिला पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले आपका भी कुछ मकसद होगा, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है जिला पंचायत चुनाव लड़ने में? चुनाव लड़ने का जो उद्देश्य हमारा है, जब मैं कभी अपने गांव के लोगों के पास जाता हूं, तो देखता हूं कि मूलभूत सुविधाएं जो कि एक आम इंसान को मिलनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण अंचलों में गांव के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अभी तक जो राजनीति का चलन है, जो ट्रेंड है, इसमें लोग राजनीति में आते हैं और आडंबर लेके आते हैं, अपने आप को बहुत, आप कह सकते हैं कि मैं वो वर्ड ही नहीं यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप नेशनल न्यूज चैनल पे मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, आते हैं दिखावा करके चले जाते हैं और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये साबित करते हैं कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, धनबली हूँ, लेकिन क्षेत्र के लोगों से उनका कोई संबंध नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता कि उनके सुख दुख को कैसे हम बांटें, उनके दुख को कैसे कम कर सके, उनकी परेशानियों का हल कैसे निकाला जा सके। ये बताइए अखिलेश जी कि पिछले जो भी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और देखा जाए गाँव का अभी तक उत्थान नहीं उस हिसाब से हो पाया है, इसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं कि जिसे हर इंसान को मिलनी चाहिए और मेरा ऐसा मानना है कि अगर क्षेत्र की जनता शिक्षित और स्वस्थ रहे तो अपने विकास का रास्ता खुद ब खुद चुन लेती है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि अपने इन ग्रामीण अंचलों में हम शिक्षा को बढ़ावा दें, स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ अपने गांव के, अपने क्षेत्र के लोगों को दिलवाएं, ये मेरी प्राथमिकताओं में होगा। सर, अगर आप जिला पंचायत चुनाव लड़ते हैं और अगर आप जिला पंचायत चुनाव लड़ के जीत जाते हैं, तो जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि गरीबों के लिए कुछ करेंगे, तो गरीब हों, किसान हों, मजदूर हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, वही लोगों के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकताएँ रहेंगी कि इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। हालांकि जिला पंचायत का अपना एक कोई जिला पंचायत सदस्य का अपना कोई खास कोई बजट नहीं होता, लेकिन फिर भी जिला पंचायत सदस्य एक प्रतिनिधि के रूप में मैं अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेके आगे जिस भी स्तर तक लोगों से मिलना होगा, मिलने का काम करूँगा। क्षेत्र की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने के लिए मुझे जिन भी लोगों से मिलना होगा उनसे मिलकर इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ मेरी प्राथमिकता में ये है कि मैं खुद अगर किसी की ज़रूरत हो तो उसे मेरे पास ना आना पड़े, एक राजनेता होने के नाते, एक नेता होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के पास खुद चल के जाऊँ। और अभी तक के ट्रेंड में ऐसा रहा है कि लोग अपने पास लोगों को बुलाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि लोग उनके यहाँ दरबार लगाएं, एक काम के लिए 10-10 बार नेताओं का एक चलन है कि एक कोई काम क्षेत्र की जनता का करना है तो कम से कम 10 बार जब तक अपने यहाँ उन लोगों को, साधारण इंसान को नहीं दौड़ा लेते तब तक उनके काम को नहीं कर पाते। 10 बार दौड़ने के बाद भी उस सम्मानित जनता का कार्य सम्पन्न हो पाएगा ये भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरी प्राथमिकता में होगा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाऊं, उनके बीच जाकर उनसे मिलूं और उनकी समस्याओं को सुनूं और उसके निस्तारण के लिए जो भी प्रभावी कदम होंगे उसे उठाने का मैं प्रयास करूंगा। साथ ही साथ उसमें जो भी कुछ मेरे स्तर से बन पा रहा होगा मैं करने का प्रयास करूंगा। सर, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जिला पंचायत सदस्य का एक सीमित दायरा है और मैं अब ट्रेंड से लोगों को हटाना चाह रहा हूँ। जो पुराने ट्रेंड चलते आ रहे हैं उन ट्रेंडों पे लोगों को चलने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा काम किसके अंडर में होना है।
जिला पंचायत सदस्य के नाते मैंने पहले ही आपको बताया कि जिला पंचायत सदस्य होने के नाते, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं समस्याओं पर लोगों से मिलूंगा, जिन भी लोगों के अंडर में वो काम आते होंगे, और उनसे मिलकर अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को कहूंगा और पूरी मजबूती के साथ उन समस्याओं को निस्तारण का प्रयास करूंगा। आपके जिस सेक्टर से लड़ रहे हैं उस पे किस जाति का वर्चस्व ज्यादा है, वोट बैंकिंग किसकी ज्यादा है? देखिए, जातिगत समीकरण अगर हम देखते हैं तो वहाँ मिश्रित समीकरण हमें देखने को मिलता है। वहाँ लगभग हर जातियों के समान रूप से वर्चस्व देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम कह लें कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग के भी बहुत संख्या में वोट हैं, एक अच्छी खासी संख्या है। फिर उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के भी वोटर ज़्यादा आते हैं, सामान्य वर्ग के भी वोटर हमारे सेक्टर में हैं लेकिन कुछ कम हैं। तो जातिगत समीकरण के आधार पर भी हमारा क्षेत्र पूरी तरह से अपने आप को मिश्रित किया हुआ है और यहाँ लगभग सब में बराबर की लड़ाई बनी रहेगी। अगर आपको अगर देख आपने जैसा कि बताया कि निर्दल लड़े हैं, निर्दल जीत जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये आएगी कि जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं उसको कैसे जन जन तक पहुंचा पाएंगे आप? निर्दल चुनाव लड़ने की बात तो मैं कर रहा हूं और जरूर है कि मैं निर्दल ही चुनाव लड़ूंगा। ऐसा नहीं कि किसी भी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए किसी पार्टी के दामन को थामना जरूरी है। अगर खुद में विश्वास है और क्षेत्र की जनता मेरे ऊपर यकीन करती है तो मैं क्षेत्र की जनता को यह यकीन दिलाना चाहूँगा कि जो भी योजनाएं सत्ताधारी दल को मिलती हैं वो सारी योजनाएं मेरे सेक्टर में भी निश्चित रूप से आएंगी। चुनाव से पहले लोग वादा करते हैं और चुनाव निकल जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, और ऐसी ही होती आई है पिछले सरकारों में भी, और पिछले ग्राम पंचायत से लेके देखा जाए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, सभी जगहों पर देखने को मिलता है। आप इससे कैसे निपटेंगे? सही बात आप कर रहे हैं और बहुत ही इस मुद्दे को तो मैं हर जगह उठाना भी चाहता हूं कि जो भी आपका प्रत्याशी पिछले चुनाव में आपके बीच आया और जिन वादों के साथ आया, अगर वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं तो आपके पास मौका है, आप उनसे सवाल करें कि आप इन वादों के साथ हमारे बीच आए थे और आज तक इन वादों का निस्तारण नहीं हो पाया। तो ऐसे प्रत्याशियों को इस समय में जवाब देने की भी जरूरत है। क्षेत्र की जनता ऐसे प्रत्याशियों को जवाब दे, और जवाब देने का सीधा उनके पास एक अच्छा अधिकार है, अपने वोटों का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। अपने मत के अधिकार से चाहे तो ऐसे प्रत्याशियों को जिन्होंने कि झूठा वादा किया है और झूठे वादे पर चुनाव जीत लिए लेकिन अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, तो क्षेत्र की जनता अपने मत का जो उसके पास अधिकार है उस मत के अधिकार से ऐसे लोगों को राजनीति से बेदखल करने का। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं, जब वो उसके श्रेणियाँ देखी जाती हैं तो बहुत सारे वोटर्स घर से बाहर नहीं जाते वोटिंग के लिए, उनके अंदर किसी तरह का गुस्सा रहेगा, तो आप उन वोटरों को जागरूक करने के लिए आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, शिक्षा बहुत बड़ा मैटर करता है और शिक्षा एक हमारा ऐसा मुख्य बिंदु कह लें जिसको मैंने अपनी चुनाव में प्रमुख रूप से स्थान दिया है। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों को इस क्षेत्र की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पर लोगों से बात कर रहा हूँ और भविष्य में इन ज़रूरतों की प्रतिपूर्ति कैसे होगी उस पर मैं बात कर रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, हर इंसान को शिक्षित बनाया जाए जिससे कि वो अपने अधिकारों को समझ सके, अपने अधिकारों को ले सके। और मैं जब क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहा हूँ तो ऐसे लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ जो शिक्षित वर्ग से आते हैं, और फिर उनके माध्यम से मैं ऐसे लोगों के पास जाने का प्रयास कर रहा हूँ जो अभी तक किसी कुंठे में है कि नहीं मुझे वोट नहीं देना है, मेरा एक काम नहीं हुआ, उनसे भी बात करके उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके पास आपके अपने वोट का अधिकार है, आप अपने वोट के अधिकार से अच्छे प्रत्याशी का चयन करें। हो सकता है कि पिछले चुनाव में आपसे किसी प्रकार की गलती हुई हो, प्रत्याशी आपके बीच आए हों लेकिन आपसे वादा किए और आपके अपने वादों को पूरा नहीं किए, तो अब तो जरूरत है कि आप सजग हो जाएं और आप सजग होकर ऐसे प्रत्याशियों को जवाब दें जिन्होंने आपसे झूठा वादा किया था।
आप विद्यालय प्रबंधक हैं, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपने राजनीति की? इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दिया था कि जब क्षेत्र में जाना होता है तो क्षेत्र की जनता अभी मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर है, और शिक्षा के क्षेत्र में मैं लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए मैं कार्य करता हूँ, गरीब बच्चियों की सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा के लिए भी कार्य करता हूँ, और ऐसे बच्चे जिन्हें कि हम किसी भी प्रकार से वो शिक्षा लेने में वंचित हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, कई ऐसे कारण होते हैं समाज में जिस कारण से लोग शिक्षा नहीं मिल पाते, तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर मेरी प्राथमिकताओं में है कि बच्चों को शिक्षा दिलवाई जाए, चाहे जिस भी प्रकार से वो उपलब्ध हो सके, जिस भी तरीके से उनको उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए हमें अगर निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करना होता है, निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण करना होता है, तो ये सब सारे कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं। तो अब क्षेत्र की जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब जब शिक्षण संस्थान में मैं ऐसे कार्य कर रहा था तो अब थोड़ी सी मन में जिज्ञासा हुई कि क्षेत्र के लोगों को जानने का प्रयास किया जाए, क्षेत्र में निकलने के बाद जो स्थितियां सामने दिखी उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें को पूरा करने के लिए उस फील्ड में उतरना जरूरी है जिसके लिए एक राजनीति माध्यम बन सकता है।